हाँ नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में घातांक व करणी से संबंधित कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, सरल करना है सिंप्लीफिकेशन, 243 की घात 2/5 और उसी का सेकंड पार्ट है 1/81 यानी 1/81 की पावर -3/4। थर्ड है 64 यानी 64 की घात -1/6 यानी -1/6। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर जो कोष्ठक के अंदर संख्याएं हैं उनको भी हम घात रूप में लिखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, पहला दिया है 243 की घात 2/5। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम 243 को गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड। अब हम क्या करेंगे, गुणनखंड के नियम मैंने पहले वीडियो में आपको बताए हैं। दो से भी किसी संख्या को जब हम भाग देते हैं तो उसके लिए क्या शर्त होती है, तीन के लिए क्या शर्त होती है। तो दो का शर्त तो लगता नहीं है क्योंकि इकाई के स्थान पे तीन है, विषम संख्या, तो दो का शर्त नहीं लगेगा। अब हम क्या चेक करते हैं, तीन का क्या होता है, संख्याओं का योग, तीन का टेबल आना चाहिए यानी तीन के पहाड़े में आने वाली संख्या आनी चाहिए। तीन की गुणज 4 × 2 = 6, 6 × 3 = 9। तो इसका मतलब तीन से पूरी तरह से विभाजित होकर तीन से भाग देंगे, 3 × 8 = 24, 3 × 3 = 3, फिर 3 × 8 = 9, 3 से जाएगा, 3 × 2 = 6, 8 × 6 = 2 और 2 × 7 = 7 यानी 21, 7 × 21। अगला फिर से हम 3 × 3 = 27, फिर 3 से भाग देंगे 3 बार, फिर 3 से देंगे 1 बार। तो यानी जो 243 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए तीन की घात 1, 2, 3, 4, 5, तो तीन की घात क्या जाएगा 5, पूरी घात ये वाली आएगी 2/5। याद होगा आपको एक फॉर्मूला, जब किसी संख्या के घात का घात हो बाहर से ब्रैकेट के रूप में तो उसको हम किस तरीके से सॉल्व करते थे, यानी फार्मूला आपको मैं याद दिला दूं, a^m/n यानी घात की घात। तो ऐसे में घातें क्या होती है, आपस में गुणा हो जाती हैं। तो यही यहाँ पर प्रक्रिया लगाएंगे, 3 की घात 5 ब्रैकेट हटाएंगे गुणा 2/5, ठीक। तो ये क्या जाएगा, 5 × 10, 3 की घात 10/5 और ये कट गया, इसके बाद 2 से 5 से 10 2 बार, 3 की घात 2। तो इसका उत्तर आ जाएगा 3 × 3 यानी घात 2 का मतलब 2 बार गुणा करना, तो इसका राइट आंसर आएगा 9। जो पहला वाला क्वेश्चन है 243 की घात 2/5, इसको हमने सॉल्व किया तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 9 आएगा। ओके, इस प्रकार से इसको हम फाइंड करेंगे। अगला ले लेते हैं इसी का सेकंड पार्ट, 1/81 यानी 1/81 की पावर -3/4, ठीक। अब हम क्या करेंगे, 81 आप देख रहे हैं, 81 को अगर हम 3 से भाग दे रहे हैं तो 1, 2, 3, 4 बार दे, तो इसको लिखेंगे 3 की घात 4 की घात -3/4, ठीक। अब इसे हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे, इसे हम पूरी घात के रूप में भी लिख सकते हैं। 1 की घात आप 4 करो 5 करो, 1 के मान में कोई अंतर नहीं आता, 1/3 की घात 4, इसमें भी इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पूरी घात -3/4, इस तरीके से लिखेंगे। अब अभी आपने फॉर्मूला सामने दिखाया मैंने, 1 की घात m की घात n, तो घातें आपस में गुणा हो जाती हैं, तो यह आ जाएगा 1/3 पूरा, इन दोनों को गुणा करें तो 4 × 3 = 12 / 4 और 4 से 11 कैंसिल हो रहा है,
तो एक बट्टा तीन की घात ऋण तीन। ठीक, जब घात किसी भी संख्या की ऋणात्मक होती है तो अंदर की संख्या पलट जाती है और घात धनात्मक हो जाती है। तो यह आ जाएगा तीन की घात तीन बट्टा एक की घात तीन, तो यानी एक की घात का मान एक ही होगा, तो तीन की घात तीन, तो तीन तीन नौ तीन सताईस यानी 27। तो इसका राइट आंसर दिया जाएगा 27। ठीक, बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप के लिए एक प्रकार का होमवर्क कहिए आप इसे सॉल्व करना इसी तरीके से जैसे मैंने किया है, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करना। ठीक, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक्स की घात ए बट्टे एक्स की घात बी होल घात यानी पूरी घात ए धन बी, अगला है गुणा एक्स की घात बी बट्टे एक्स की घात सी पूरी घात एक्स बी धन सी गुणा एक्स की घात सी बट्टे एक्स की घात ए पूरी घात सी धन ए। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में ऑप्शन के तौर पर ऑप्शन अलग अलग इसके दिए होते हैं 0, 1, 2, 3, 4। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए पहले हम ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे जो बोडो मास का रूल कहता है। पहले हम इसको लिख लेते हैं एक्स की घात ए बट्टे एक्स की घात बी ए प्लस बी इंटू एक्स की घात बी एक्स की घात सी होल पावर देखिए बी प्लस सी यानी एक्स की पावर सी एक्स की पावर ए और होल पावर सी प्लस ए। यहाँ पर दोनों लैंग्वेज के स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं चैनल पे, इसलिए मुझे बोथ लैंग्वेज का यूज करना पड़ता है, तो मुझे विश्वास है कि आप दोनों भाषी रूप में आराम से इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों समझ रहे होंगे। अब हम क्या करेंगे, एक्स की पावर एम की ओवर एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लगाने के बाद ए वो आता है सूत्र, यदि एक्स की पावर एम है और एक्स की पावर एन से इसको डिवाइड करते हैं तो एक्स की पावर एम माइनस एन, इस सूत्र का प्रयोग करते हुए इसको पहले लिखेंगे, इसका मान आ जाएगा एक्स की घात ए ऋण बी एक ब्रैकेट में दूसरे में आ जाएगा ए धन बी गुणा एक्स की घात बी ऋण सी बी धन सी गुणा एक्स की घात सी ऋण ए सी धन ए। तब क्या करेंगे हम, ए प्लस बी ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गुणा एक्स की घात बी ऋण बी स्क्वायर ऋण सी स्क्वायर गुणा एक्स की घात सी स्क्वायर ऋण ए स्क्वायर। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, यानी ए की पावर एम की पावर एन, देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला आता है ए की घात एम गुणा ए की घात एन ए की घात एम धन एन, इसका सूत्र का प्रयोग करते हुए गुणा के रूप में है तो इनकी घातें गुणा करने पर आपस में परस्पर क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो क्या जाएगा, एक्स की घात ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन बी स्क्वायर ऋण सी स्क्वायर धन सी स्क्वायर ऋण ए स्क्वायर। आप देखिए यहाँ प्रत्येक जो घात का वर्ग में रूप में है एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है ए स्क्वायर तो यानी इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर एक धनात्मक ऋणात्मक, तो यानी एक्स की घात क्या आ जाएगा, शून्य। ठीक, एक शॉर्ट वीडियो में मैंने लिखा था कि 95% लोग इसका आंसर कम जानते हैं, गलतियाँ करते हैं, वही चीज़ आज के सामने आ गई कि इसकी घात किसी भी संख्या की घात शून्य का मान एक होता है। अगर मैं यहाँ पर छोड़ूँ तो आपके लिए कन्फ्यूजन ऐसे ही बना रहेगा, थोड़ा इसको भी समझा देता हूँ कि ये मान वन कैसे आता है। देखिए एक्स की घात शून्य को हम एक्स की घात दो ऋण दो भी लिख सकते हैं, एक ऋण एक भी लिख सकते हैं, पाँच ऋण पाँच उसी संख्या को घटा करके शून्य आएगा। ठीक, अब क्या है, जैसे आपने ऊपर देखा होगा शुरू में जैसे यहाँ पर घातें थी, ऊपर जाने के बाद क्या हो जाती हैं, नीचे लिखने आप ऋणात्मक हो रहे हैं, तो हम इसको अलग अलग रूप में लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स का वर्ग बट्टे
एक्स का वर्ग, ठीक। ऊपर नीचे जाने पर ऊपर जाएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा। अब ये संख्या से ये संख्या कितनी बार घटी? एक बार। तब किसी भी संख्या का मान जब घात शून्य होती है तो उसका मान एक आता है। तो ये तो था इससे जुड़े हुए क्वेश्चन। आज हमने बशर्ते दो ही क्वेश्चन लिए, लेकिन क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण थे, जहाँ पर फॉर्मूलों का यूज करने के बाद आंसर निकाल सकते हैं। आपकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा बढ़ेगी इतने आप आंसर के करीब पहुँचेंगे और कम से कम समय में आंसर फाइंड करेंगे। अब मेरा प्रयास रहेगा कि ऐसे क्वेश्चनों को पहले आपको डिटेल से समझाऊं, बाद में जब आपके समझ में ये चीज़ें आ जाती तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड बढ़नी शुरू हो जाएगी। स्पीड बढ़ेगी क्योंकि हमें एक ही स्पीड पर ही ध्यान नहीं रखनी है, स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी पर भी ध्यान रखना है कि हमारा उत्तर सही आए। क्योंकि गणित में छोटी भी गलती यदि हो जाती है तो पूरी की पूरी मेहनत पर पानी फिर जाता है। अगर कहें आप प्लस की जगह माइनस लगा बैठे, माइनस की जगह प्लस लगा बैठे, तो पूरी मेहनत बेकार हो जाती है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि ज़्यादा क्वेश्चन बना करके आपकी खिचड़ी बन जाए दिमाग में, इसलिए आज हम दो ही क्वेश्चन को ले रहे हैं, लेकिन बड़े डिटेल से गए इस पर। मुझे विश्वास है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा और अपना बहुमूल्य जो सुझाव है, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों तक शेयर करें और सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें, ताकि आने वाली जो वीडियो है उसके लिए हमें मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के बीच में कार्य करने का। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन कभी हमारे लिए भी समस्या खड़ी करती थी। तो मेरा जो यूट्यूब चैनल बनाने का जो उद्देश्य है कि गणित को इतना सरल बनाया जाए कि प्रत्येक व्यक्ति वहाँ तक रीच हो जाए। नहीं तो आधे लोग गणित से इतने डरते हैं कि पहले से गणित विषय को लेने से ही पीछे हट जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। एक प्रकार का मेंटल हेल्थ है, दिमाग को धार बनाता है, दिमाग की तेज़ करने के लिए गणित का प्रयोग होता है, बहुत तीव्र बनाता है गणित को। इसलिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं, हम आपके साथ में हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। सत साहिब।